आज महम हलके के गांव बड़म्बा में हलका स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया तथा भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश के कोष का दुरुपयोग करने के लिए खट्टर सरकार को चेतावनी दी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा, हमारी सरकार बनने पर 36 बिरादरी के पढ़े लिखे नौजवान को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां देंगे और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देंगे तथा प्रदेश में खुशहाली और प्रकृति का वातावरण पैदा करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री नफे सिंह राठी ने गांव बड़म्बा वासियों का इतनी भारी संख्या में उपस्थित होने पर हार्दिक धन्यवाद किया। आदरणीय प्रधान जी, सम्मानित मंच और इस सभा स्थल में उपस्थित पार्टी के प्रति समर्पित बुजुर्ग कार्यकर्ताओं, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, घरों में बैठी हुई सुनने वाली मेरी माता और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, पत्रकार दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। ये मैन विधानसभा क्षेत्र हमारा मजबूत घट रहा है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को राजनीतिक ताकत यहीं से मिली थी और उन्होंने अपनी ताकत का सदुपयोग भी यहीं पे किया था। हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया था। कसूर मेरा यही था कि मैंने पढ़े लिखे युवकों को उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी प्रदान कराई थी। जिन लोगों को, जिन बच्चों को हमने नौकरियां दी, उनकी तो तरक्की होगी, प्रमोशन होगी, और नौकरी लगाने वाला 10 साल की बजाय 10.5 साल की सजा भुगत करके आया है। मैं जेल से जब बाहर निकला तो सबसे पहले उन साथियों का आभार व्यक्त करने गया जो पिछले लगभग 1 साल से गर्मी, सर्दी और बारिश की परवाह किए बिना भूखे प्यासे दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए थे। उनकी मांग केवल एक कि इस कृषि प्रधान देश के किसान खुशहाल बनाया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान की जाए, लेकिन आज उनको सुविधा देने की बजाय किसान की हालत सबसे ज़्यादा जाएगी। इस मौजूदा सरकार ने इस प्रकार के टैक्स लगाए हैं जो पैसा योजनाबद्ध तरीके से इस देश के मुट्ठी पर जो बड़े उद्योगी घराने हैं, अंबानी और अडानी टाइप के लोग, उनके पास जाता है और उनसे ये सीधा लेकर के खाते हैं। कोरोना की आड़ लेकर के जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, वो मदद का पैसा उन गरीबों को देने के बजाय सत्ता में बने हुए और उनसे ये सीधा लेकर के खाते हैं। कोरोना की आड़ लेकर के जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, वो मदद का पैसा उन गरीबों को देने के बजाय सत्ता में बने हुए लोग खुद खा जाते हैं और सरकार के खाते में नुकसान उठाने का काम करते हैं। जब मैं उनके पास गया तो मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि आज किसान आंदोलन के माध्यम से उन लोगों में 36 बिरादरी के लोग बैठे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लुहार, मनिहार, सुनार, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी और कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, 36 जात के लोग इस कुशासन से छुटकारा हासिल करने के लिए 1 साल से लगभग बैठे। मुझे बहुत अफसोस और प्रसन्नता हुई
हमारे देश के लोग पुनः उसी पोजीशन में देश को लाने का संकल्प किया है। मुझे दुनिया के लगभग 152 मुल्कों में जाने का मौका मिला था, सैर सपाटा करने नहीं गया था, मैं लोगों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। और मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता होती थी कि आज समूचे विश्व के सतर पर भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ 36 बिरादरी के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर अपने तीज त्यौहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस हम आपस में प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलकर के मनाते थे। हमारे में कभी कोई मतभेद नहीं हुआ था। लेकिन बीजेपी की एक ऐसी सरकार आई जिसने जात पात का जहर फैला करके हमें आपस में बांटने का काम किया और देश की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय हो गई। इसलिए आज देश का हर नागरिक उनके गलत कारनामों की वजह से दुखी है और इस सरकार का पतन करने का मन बढ़ाए बैठे हैं। मुझे यकीन विश्वास है कि जब भी चुनाव होगा राष्ट्रीय स्तर पर इन लुटेरों का लोग सबक सिखाएंगे, कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, मुझे हरियाणा प्रदेश एक एक गांव में जाना है। मैं एक एक गांव में जाऊँगा और अपनी पुरानी याद ताज़ा करूँगा। हमारे देश की एक परंपरा है, प्रथा है कि जनता जनार्दन अपने मताधिकार से सरकार बनाती है और